रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि ये वैध मुद्रा बनी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें वो बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि आप 23 मई से एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट बदल या जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलना होगा। इसके अलावा आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखाएं खोलेगी। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में 2000 रुपए के नोट छापने का काम बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर 2000 रुपए का नोट को लाया गया था। नोटबंदी की घोषणा करने के दौरान सरकार ने कहा था कि ये कदम भ्रष्टाचार खत्म कर छप रहे जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला हुए करते हुए यह कहा था कि यह निर्णय सरकार ने बिना सोचे समझे लिया है। फिलहाल आज से 2000 रुपए के नोटों के लिए बैंकों में भीड़ जमा करने के लिए जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि यह आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि भैया 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा कर दो और आप बैंकों में 20,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब आरबीआई का फैसला है जो उन्होंने साफ साफ ले लिया है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है एमआई मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39।